बॉस 17 में इस बार का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहने वाला है। ये साल का आखिरी वीकेंड का वार भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सलमान खान कोई रियायत बरतने वाले हैं। कई कंटेस्टेंट को उन्होंने फटकार लगाई तो कुछ की पोल सभी के सामने भी खोल के रख दी। उन्होंने शो में वीडियो क्लिप दिखाकर ये खुलासा कर दिया कि अभिषेक कुमार किस तरह से साजिश रच रहे थे, जिसकी मुनव्वर को भनक भी नहीं थी। बिग बॉस के फैन पेज ने बताया कि सलमान ने अभिषेक के गेम प्लान की पोल सबके सामने खोल दी है। वो मुनव्वर फारूकी और मनारा चोपड़ा के खिलाफ जो प्लानिंग कर रहे थे वो सबके सामने आ चुकी है। हाल ही में अभिषेक खुद मुनव्वर के करीब आए और उन्हें समझाते दिखे। सलमान ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक वीडियो क्लिप भी दिखाया, जिसमें अभिषेक और अनुराग की साजिश का खुलासा हुआ। एक एपिसोड में देखा गया था कि अभिषेक अनुराग के पास गए। उन्होंने उससे कहा कि वो मुनव्वर और मनारा का पैचअप कराने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो मनारा को दूसरे ग्रुप में नहीं देखना चाहते हैं। ये क्लिप सभी कंटेस्टेंट्स को दिखाई गई। आपको बता दें कि बिग बॉस में इस हफ्ते 4 लोग नॉमिनेट हैं। इनमें आयशा खान, अभिषेक कुमार, रिंकू धवन और नील भट्ट हैं। इनमें सबसे कम वोट नील भट्ट को आए थे, लेकिन इसी बीच ये खबरें आ रही हैं कि आयशा खान घर से बेघर कर दी गई हैं। दरअसल वीकेंड का वार एपिसोड में वो बेहोश हो गई थी। ऐसे में हो सकता है कि वो घर के अंदर दोबारा ना आए। बहरहाल अभी आधिकारिक रूप से इविक्शन का इंतजार है। आयशा के आने से शो की टीआरपी में तो जरूर उछाल आया था। मुनव्वर की जिंदगी की एक एक चीज सबके सामने आ चुकी है। उनका गेम भी डगमगाता दिखा है।